अगर आपके भी सीपीओ टेपेचर ज्यादा है तो हो सकता है कि आप ये गलती कर रहे हो तो ये है एक बजट कॉन्टैक्ट फ्रेम ये इंटेल एंड एमडी दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए आता है स्पेसिफिकली बात करें इंटेल की तो इलेवन चेन सीपीयू स्क्वायर थे जिससे कूलर या फिर एआई इंस्टॉल करते टाइम प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था बट इलेवन चेन के बाद ट्वेल्थ एंड थर्टीन जेन में आने लगे बेंडिंग इशू जिसकी वजह से जो माउंटिंग प्रेशर था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था बिकॉज सीपी आई एंड कूलर या फिर ए आईयू से प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू विच यहाँ पे जो CPU के टेपरेचर थे वो राइज होते हैं एंड यहाँ पे सीपू की भी परफॉर्मेंस होती है नौ ये जो बेंडिंग है इट इज नॉट समथिंग कैन बी सीन विध ने बट ये होती है और इसका जो डिफरेंस है वो माइक्रोमीटर्स में आता है ये भी आपको बता दूं कि इलेवन जन के बाद जो है, उनका जो शेप है वो हो गया, जिसकी वजह से आने स्टार्ट हो गए अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ्रम लगाने के बाद कुछ यूजर्स को टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है एंड स्लाइटली बेटर पावर ड्रॉ मिलता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी स्लाइटली इंप्रूव होती है एंड यहाँ पे लोगों को अलग एक्सपीरियस भी इसलिए मिलता है बिकॉज इट डिपेंड्स की कौन सा टाइप का सीपी कलर या फिर लिक्विड कुलर यूज करा रहा है सो अगर आप ट्वेल्थ जन के सीपी को परचेस करने का प्लान कर रहे हो एंड आपका भी सीपीओ बैंड ना हो तो